श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में रविवार को युग पुरुष ब्रह्मलीन महान दिग्विजयनाथ जी महाराज की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर संस्कृत भाषा एवं महान दिग्विजयनाथ जी महाराज विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में पहुंचे मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वाचस्पति मिश्र ने संस्कृत भाषा पर बोलते हुए कहा कि संस्कृत का अध्ययन एक भाषा के रूप में ही केवल ना हो अपितु संस्कृत माध्यम से शिक्षा देने की आवश्यकता है। संस्कृत केवल भाषा ही नहीं अपितु जीती जागती संस्कृति है जो संपूर्ण भारत राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। इस मौके पर श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष बृजेश मणि मिश्र, दौलत गिरी संस्कृत महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य डॉक्टर विनोद मिश्र सहित विद्यापीठ के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वाचस्पति मिश्र ने कहा, आपका बहुत बहुत से कृतज्ञता। इसके अंदर हम सभी के अभिभावक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मेरे से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। वो हम सभी जन कभी भी अपने विद्यालय के कार्यक्रमों में आपको आहूत करते हैं। आप हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए बड़े ही श्रद्धा से तथा इस समस्त कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन एवं हम सभी को निर्देशन करने वाले हमारे विद्यापीठ के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर चतुर्वेदी जी को मैं भी मेरे से धन्यवाद का मार्ग भी दिखाते रहते हैं। विभाग के अध्यक्ष वास्तव में आप अंग्रेजी के विद्वान हैं, किंतु संस्कृत को जिस प्रकार से आप हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में अन्य संस्थाओं में जाकर अध्ययन करते हैं, हम सभी को गर्व होता है। संस्कृत भाषा से ही भारतवर्ष का ही नहीं अपितु विश्व का उद्धार हो सकता है। हमारे यहाँ कहा गया है स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन। संस्कृत भाषा के माध्यम से ही केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु सारे विश्व में चरित्र की शिक्षा दी गई थी। और जब भारतवर्ष में संस्कृत भाषा माध्यम के रूप में थी तब भारतवर्ष में ताले नहीं लगते थे, और जब जॉनी जॉनी यस पापा वाली भाषा आ गई है तब फिर जो है ताले ही नहीं, चोर तालों से भी काम नहीं चल रहा है, अब दूसरे ताले भी अलग अलग आने लगे। तो यदि भारतवर्ष में दोबारा संस्कृति और संस्कार चाहिए तो उसका एकमात्र उपाय संस्कृत भाषा को दोबारा से शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। यही बात आज मैंने यहाँ पर संस्कृत विद्यालय में, और इसी उद्देश्य को रख कर के जो ब्रह्मलीन हमारे युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ जी थे, उन्होंने इस संस्कृत विद्यालय की आज से 70 वर्ष पूर्व स्थापना की थी, क्योंकि उनमें उनके मन में था कि भारतवर्ष यदि विश्वगुरु बन सकता है तो संस्कृत भाषा के माध्यम से ही दोबारा विश्वगुरु बन सकता है।